Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. युवाओं से यही अपील है, चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, नहीं हुई समय के साथ। पहले तो कोई इस प्रकार का आई नहीं, परसेंटेज भी वोटिंग बहुत कम होती थी, अब ज्यादा होने लगी है, समय के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब और आगे कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे कि माहौल खराब हो। युवाओं से यही अपील है, चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, नहीं हुई समय के साथ। पहले तो कोई इस प्रकार का आई नहीं, परसेंटेज भी वोटिंग बहुत कम होती थी, अब ज्यादा होने लगी है, समय के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब और आगे कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे कि माहौल खराब हो। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। युवा ही इस प्रकार की कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने वाली कोई टिप्पणी नहीं करे, ये मेरी युवाओं से खास करके निवेदन। आपसे मुलाकात हुई है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब को तो मैंने तो यही कहा, ये 18वां चुनाव है लोकसभा का, इससे पहले 17 चुनाव हो चुके और हमेशा शांति से चुनाव, इस बार भी शांति से ही हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो गई दोनों पक्षों के तरफ से, ऐसा नहीं कोई एक पक्ष पर दोनों छोटी मोटी हुई, तो उसको आगे नहीं बढ़ाएं और आपस में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इस पर आप ध्यान दें जिससे आगे माहौल खराब नहीं हो। सब गांव में आपस में अड़ोसी पड़ोसी है, वोट तो किसी ने किसी को दिया, जिसका जहाँ मन था उसने उसको दिया, उस बात को लेकर के आगे और ज्यादा मामला नहीं बढ़े, इस पर आप ध्यान। नहीं, हमने उनको यही कहा, जो भी मुकदमेबाजी वगैरह जो भी काम हुआ है उनको पक्षों को दोनों को बुला करके समझाइश करके बिठा करके शांति करो। कितना दिन युवाओं से यही अपील है, चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, नहीं हुई समय के साथ। पहले तो कोई इस प्रकार का आई नहीं, परसेंटेज भी वोटिंग बहुत कम होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है, समय के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब और आगे कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे कि माहौल खराब हो। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। युवा ही इस प्रकार की कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने वाली कोई टिप्पणी नहीं करे, ये मेरी युवाओं से खास करके निवेदन।